स्वागत है आपका साप्ताहिक राशिफल में। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियन के लिए ये सप्ताह कैसे व्यतीत होएगा, 5 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक के समय की हम बात करेंगे कि कैसे रहेगी धन की स्थिति, आय की स्थिति, रिश्ते और कहाँ से मिलेगा फ़ायदा। सभी विषयों की चर्चा हम चंद्रमा के गोचर के आधार पर करेंगे। तो चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वृश्चिक राशि बहुत ही सीधी सरल स्वभाव की राशि होती हैं और लोग बाग इनको बहुत ही जिंदा दिल समझते हैं। ये अपने आसपास के लोगों के हेल्प करने में, उनका भला करने में सबसे आगे रहती है। ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, कई आपके कार्य बनेंगे और ये एक तरह से देखें तो बहुत ही शानदार सप्ताह है जिसकी शुरुआत शनिवार और इतवार से हो जाएगी अच्छे समय की। तो बात करते हैं सबसे पहले 5 तारीख की। 5 तारीख की हम बात करें तो 5 तारीख और 6 तारीख की सुबह तक का टाइम है। ये जो चंद्रमा चल रहे हैं आपके लग्न भाव के अंदर चल रहे हैं। लग्न में जब भी चंद्रमा आता है तो ये चंद्रमा आपके भाग्य स्थान का मालिक है, आपके लग्न में आ रहा है तो ठीक है आपके लिए। हालांकि ये नीच का है इसलिए थोड़ी सी मानसिक परेशानी रह सकती है आपको। आपको अपनी छवि को संभालने की कोशिश करनी चाहिए और अपने से बड़ों से कम बोलें, कम से कम बात करें, अपनी माता से भी कम बात करें क्योंकि बड़ों से और माता से मतभेद की स्थितियाँ निर्मित हो रही है। महत्वपूर्ण कार्य जो आपका इस समय अटकेगा उसको लेके आप बिल्कुल भी परेशान न हो क्योंकि वो आने वाले समय में पूरा अवश्य ही हो जाएगा। तो जो भी काम अटक रहा है वो मान के चलिए वो पूरा होएगा ही होएगा। सप्ताह के शुरुआत में आप थोड़े से उदासीन रह सकते हैं क्योंकि लग्न में चंद्रमा चल रहे हैं नीच के तो, और सेहत भी आपके सुधार होएगा तो परेशान बिल्कुल भी नहीं हो। कार्य क्षेत्र के हिसाब से बढ़िया है। प्रेतक संपत्ति से संबंधित विवाद हल होंगे, प्रेतक संपत्ति में आपकी वृद्धि होगी, जायदाद में इस समय वृद्धि होने का योग बना हुआ है। इस समय व्यापार भी अच्छा चलेगा, इस पूरे सप्ताह में आपका व्यापार बढ़िया रहेगा। प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम है, आप कर सकते हैं। परिवार में पूर्व में कोई सा भी लड़ाई झगड़े थे वो सब खत्म हो के पारिवारिक वातावरण अच्छा होगा तो अच्छा है। ये समय लाभकारी समय है। 6 तारीख से लेकर 10 तारीख की बात करें, हम 6 तारीख से लेकर 8 फरवरी के 10 बजे तक की बात करें सुबह, तो ये जो टाइम चलेगा इस समय चंद्रमा चलेंगे आपके दूसरे घर के अंदर। दूसरा घर होता है हमारे वाणी का, कुटुंब का और हमारे धन का भी, तो यहाँ आपको परिजनों से लाभ प्राप्त हो रहा है। ये जो चंद्रमा है आपको शुक्र के साथ मिलेगा, इस कारण से लक्ष्मी योग का भी निर्माण हो रहा है। तो माँ लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बन रही है, लक्ष्मी योग बन रहा है, धन तो अवश्य ही आएगा ही आएगा। माँ लक्ष्मी की दृष्टि आपके ऊपर अवश्य ही पड़ेगी। कहीं पे अटका हुआ पैसा था, उधार दिया हुआ पैसा था, काफ़ी समय से पैसा वो रिकवर करने की आप सोच रहे थे तो मान के चलिए इस समय आपके पास धन प्राप्ति के रास्ते निकलेंगे और वो आपको धन अभी प्राप्त होएगा, नहीं तो अभी प्राप्त नहीं होएगा तो 10 दिन बाद अवश्य ही आपको वो प्राप्त हो जाएगा। गुरु की भी शुभ प्रभाव में आप हैं, आपके अच्छे विचार रहेंगे, सबको सहायता करने के रहेंगे और आप भी सबसे सहायता प्राप्त करेंगे, भौतिक रूप से आप सफल रहेंगे, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। तो ये जो टाइम है 6 तारीख से लेकर 8 तारीख की सुबह तक का श्रेष्ठ टाइम है ये भी। इस समय आपको कैरियर में भी उन्नति होगी और अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में भी आपकी उन्नति होगी, नौकरी में भी आपकी उन्नति होगी, आपके व्यापार के नए क्लाइंट आपको मिलेंगे, नए कस्टमर मिलेंगे और इससे आपको कोई बड़ी डील भी साइन हो सकती है और इस कारण से आपको अपने बिजनेस में मुनाफा देखने को मिलेगा। लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो जो आपके 5 और 6 तारीख को लव एंड रिलेशनशिप में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक जीवन था वो इस समय भी आपके विवाद चलते रहेंगे तो आपको कम से कम इंटरेक्शन रखना है, कम से कम करना है क्योंकि ये जो टाइम है ना 5 तारीख से लेके 8 तारीख तक का कैरियर पे फोकस करने का, इस समय आप कैरियर पे फोकस करेंगे तो सही रहेगा। अपने लाइफ के अंदर, रिश्तों के अंदर ओवर एक्साइटमेंट से बचें, चाहे वैवाहिक जीवन हो चाहे रिलेशनशिप हो, धैर्य रखना बेहद जरूरी है 5 तारीख से लेकर 8 तारीख के मध्य मध्य। स्वास्थ्य में शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है और जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनको फोकस होकर रहना पड़ेगा, किसी भी प्रकार का भटकाव आपके लिए उन्नति में बाधक बनेगा। खर्चे आपके बड़े चढ़े रहेंगे तो खर्चों पर नियंत्रण लगाने की ज़रूरत है। 8 तारीख की सुबह 10 बजे से लेकर बात करें 10 तारीख तक की, तो ये जो दिन है 8 से लेकर 10 तारीख तक का समय, इस समय चंद्रमा आपके रहेंगे तीसरे घर के अंदर। यहाँ पे पहले से ही 3 ग्रह विराजमान है तो 4 ग्रहों का जमावड़ा आपके हो रहा है जिसमें चंद्रमा है, सूर्य है, मंगल है, बुध। तो सूर्य यहाँ पे शिष्ट परिणाम देते हैं, मंगल बहुत ही अच्छा परिणाम इस जगह पे देते हैं और कालपुरुष के हिसाब से बुध का ही ये घर पड़ता है। तो
वैसे तो आपके लिए दिन बढ़िया है क्योंकि आप वृश्चिक राशि के वृश्चिक लग्न के हैं, तो आपको इन 4 ग्रहों की युति से आप बहुत ही साहसी बन जाएंगे। बहुत आप में बल बुद्धि और तेज आ जाएगा, बहुत पराक्रम करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, क्योंकि मंगल यहाँ पे होके आपको पराक्रम ही बनाएगा। तो 8 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच आप जैसा सोचोगे वैसा आप कर पाओगे। आपके लिए बढ़िया समय है ये, जो भी आपने काम सोच रखे हैं वैसा आप कर लेंगे। बस मंगल आपको थोड़ा सा जल्दबाज बना सकता है, इस कारण से आपको अपनी जल्दबाजी पर नियंत्रण बना के चलना है। जितना भी आप में बल बुद्धि पराक्रम है उनका प्रयोग आप अपने कैरियर के ऊपर करें, क्योंकि कैरियर में इस समय उन्नति हो सकती है। गवर्नमेंट रिलेटेड कोई काम थे तो वो भी आपके बन जाएंगे, पैसा भी आपके पास आएगा। अगर आप व्यापारी हैं तो इस समय आपके पास अवश्यम भावी पैसा आएगा। हालांकि जो भी सफलता आपको मिलेगी वो संघर्ष के बाद ही मिलेगी, और आपको अपनी वाणी पे इस समय संयम बना के चलना है। बोलने से पूर्व सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आप बोलेंगे हो सकता है सामने वाले को चुप जाए। वृश्चिक राशि वालों की मंशा कभी भी किसी को चोट पहुंचाने की नहीं होती है, वो जो भी बोलते हैं सत्य बोलते हैं और तथ्य के आधार पर बोलते हैं, परंतु आपका ये सत्य और तथ्य दूसरों लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ पे भी झगड़े विवाद होने का डर है। झगड़े विवाद होंगे, अगर हो जाते हैं तो आप मान के चलिए कि समझौते से आपकी बात बन जाएगी। तो कुल मिला के देखें तो मतभेद से मत एक के मत भिन्नता से लेके मन की भिन्नता नहीं होगी और समझौता हो जाएगा। विचार नहीं मिलेंगे पर मन एक रहेगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो अपने वैवाहिक जीवन में माहौल को सुधारने का प्रयास करें। थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है और जल्दी ही आप सुधार लेंगे। आप में इतनी कैपेसिटी इतनी क्षमता है इस समय कि आप हर चीज़ को पक्ष में कर लेंगे, चाहे रिश्ते हों, चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो। तो इस समय आप अपने सब कुछ चीज़ों को पक्ष में करते हुए नजर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए भड़काव का समय है, वो भटक सकते हैं। थायराइड और कब्ज से रिलेटेड इस समय प्रॉब्लम आपके हो सकती है। अब हम बात करते हैं 10 और 11 तारीख की। 10 और 11 तारीख को फोर्थ भाव में चंद्रमा आ रहे हैं। फोर्थ भाव का जो चंद्रमा होता है उसमें आपके शनि भी आपके युक्त हो रहा है, इसलिए शनि चंद्र की युति आपके विष योग का निर्माण कर रही है, और वो विष योग बन रहा है आपके माता के घर में। माता की सेहत खराब हो सकती है, माता से संबंध खराब हो सकते हैं, माता से आपके विचार न मिले, इन 3 में से एक की संभावना बनती है। तो संबंधों को संभाल के चलें, विवाद है तो कम बोलें, माता की सेवा करें, माता को प्रसन्न रखें, दूर है तो फ़ोन पे बात करके हालचाल पूछें। घर में भी आपके अगर जहाँ घर में रहते हैं माता से दूर रहते हैं, आपका अलग घर है या आप अपने माता के साथ रहते हैं, कैसे भी है आप जिस घर में रहते हैं उस घर में कलह विवाद का डर बना हुआ है, परंतु आप बड़ी चतुर चालाकी से चलेंगे, बुद्धिमत्ता से चलेंगे, मैच्योरिटी से काम लेंगे और सभी चीज़ों को पक्ष में कर लेंगे। माहौल को अच्छा बनाने का आपका प्रयास सफल होगा। स्वास्थ्य इस समय आपका खराब था जो, तो उसमें सुधार हो जाएगा। स्वास्थ्य के संबंधित परेशानी नहीं है, हालांकि डायबिटीज़ से संबंधित प्रॉब्लम आपको यथावत बरकरार रहेगी। कार्य क्षेत्र में है आप, तो ये जो समय है 10 तारीख और 11 तारीख का, किसी की हेल्प लें, किसी का मार्गदर्शन लें, सारे काम खुद करने की कोशिश न करें। अपने मित्रों परिजनों तो नहीं, कलीग्स वगैरह की आप सहायता अवश्य लें, उनकी सलाह भी सुने, इससे आपके लिए रास्ते आसान होंगे। स्टूडेंट्स परेशान न हों, मानसिक रूप से भटकाव में न पड़े, अपने कैरियर पर फोकस रहें। लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो टाइम दें, एक दूसरे को जानें, जल्दबाजी में आगे न बढ़ें, और पेट का विशेष ध्यान रखें, कमर का विशेष ध्यान रखें, इस समय दर्द की शिकायत आपके हो सकती है। ये पूरा सप्ताह का अगर बात करें तो इस पूरे सप्ताह में आपके रुके हुए काम बनेंगे। इस पूरे सप्ताह का अगर एक ही लाइन में उत्तर दें तो काम आपके बनेंगे, विशेष करके अटके काम बनेंगे, जमीन जायदाद आय धन और व्यापार इनमें उन्नति होगी, परिजनों से संबंध सुधरेंगे, और आपको अपनी नज़र अवश्य ही इस सप्ताह उतारनी चाहिए, क्योंकि सप्ताह का शुरुआत और मध्य दोनों आपके लिए अच्छा है। आपको नज़र लग सकती है तो आप अपनी नज़र उतरवाएं, या फिर आप भगवान हनुमान की आराधना लगातार करते रहें, इससे आपके कार्य बनेंगे। अब बात करते हैं उपाय की। वृश्चिक राशि वालों को हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि उनका भाग्य इतना प्रबल रूप से साथ दे रहा है कि उनको नज़र लगने की संभावना है। दूसरा उपाय है कि आपके स्टार्टिंग में लग्न में आपके चंद्रमा भाग्येश बन के बैठे हुए हैं, इसलिए भगवान शिव की आराधना 5, 6, 7 तारीख तीनों तारीखों को आप अवश्य ही करें। भगवान शिव के ऊपर दूध और जल और गंगा जल मिश्रित करके चढ़ाएं, वहीं पे बैठ के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। हनुमान अष्टक का पाठ करते हैं तो आपकी सारी रुकावटें दूर होगी। तो इन उपायों को करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।